नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? अगर वैसे देखा जाए, सोचा जाए तो हर ऑर्गन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस तो है ही, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा भाई ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? एक तो ये हमारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा है, सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है, साथ ही साथ जो हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है ज़िंदगी में, हम जिस तरीके से सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सारा इसी का खेल है। इसका मतलब वो ये कि ज़िंदगी में या तो आप आज जहाँ पर हो या फिर फ्यूचर में जहाँ पहुँचने वाले हो, ये दिमागी आपको लेकर जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा सुपर फूड लेकर आया हूँ या ऐसे सुपर फूड की जानकारी दूंगा जो आपके दिमाग को न केवल एक बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ये इसकी जो काम करने की काबिलियत है, जितना इफेक्टिवली ये काम कर सके, ये उस ताकत को भी पुश करता है। तो वो ऐसा सुपर फूड है क्या? हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 एक तरीके का फैट होता है, और जो हमारा ब्रेन है, मोटे तौर पे अगर इसकी संरचना समझी जाए तो पूरा ब्रेन लगभग 60% फैट से बना होता है। मतलब पूरा जो ब्रेन है उसका 60% पार्ट फैट होता है, और ये जो 60% फैट है इसमें से भी 30% यही ओमेगा 3 है। अब ये ओमेगा 3 की इम्पोर्टेंस तो समझिए कितनी ज़्यादा है। हमारी बॉडी में वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ मेन 3 बड़े काम। अब वो 3 बड़े काम, पहला तो वही ब्रेन, दूसरा होता है हमारा हार्ट, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और तीसरा हमारी स्किन। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत मेन तरीके से, बहुत इफेक्टिवली इन पर वर्क करता है। अगर आपके अंदर ओमेगा 3 प्रॉपर मात्रा में है तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें आपकी एकदम स्मूथ चल रही हैं, कोई परेशानी नहीं। और यदि जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है ये उससे कम होने लगेगा, तो कुछ एक ऐसे सिम्टम हैं जो आपको अपनी बॉडी में दिखने लगेंगे। मैं आज आपको वही सिम्टम बताऊँगा कि ये सिम्टम देख के आप पहचान सकते हो कि भाई मेरे अंदर तो ओमेगा 3 की शायद डेफिशिएंसी होने लगी है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ दूंगा, एक हल भी बताऊंगा, ऐसे कौन से फूड हैं अगर आप उनका सेवन करने लगते हैं तो अपनी बॉडी में इस ओमेगा 3 में जो डेफिशिएंसी आई है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो ओमेगा 3 है, कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम ओमेगा 3 कह देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसको DHA कहा जाता है। ये DHA आप ऐसे समझिए हमारी बॉडी में तो बनता नहीं है, तो हमें इसे बाहर से ही लेना पड़ता है। अभी आप कौन कौन सी डाइट से ले सकते हैं, वेज वाले लोगों के लिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए कौन से सोर्सेज हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए कौन से सोर्सेज हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि असल में अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में है तो आपको कैसे कैसे सिम्टम्स अपने अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे शुरू में जो मैंने आपको बोला था कि ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, उन लोगों में डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अब वो डिप्रेशन भी किस तरीके का होगा? आमतौर पर जो डिप्रेशन तब होता है जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो, किसी चीज़ की लैकिंग हो, ठीक है ना। अगर कोई लोग फाइनेंशियल अगर कम है तब उन्हें डिप्रेशन आने लगेगा, किसी की हेल्थ खराब हो रही है तब डिप्रेशन आने लगेगा, किसी की सोशल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तब डिप्रेशन आने लगेगा। तो ये तो एक वो डिप्रेशन हुआ जिसके पीछे जेन्युइन कारण है, लेकिन अगर ओमेगा 3 की इसकी डिफिशियंसी है तो उन लोगों में बिना किसी कारण के डिप्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, उनकी मेमोरी वीक होने लगेगी, उनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर होने लगेगी, और यही ब्रेन से एक हमारा बहुत मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जुड़ता है, वो है हमारी आँखें। अब क्या होता है कि अगर ये वापस आपके ओमेगा 3 लैक हो रहा है, कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, उस कंडीशन में देखेंगे ऐसे लोगों की जो आईसाइट्स है वो गिरने लगेगी। दूसरी चीज़, हार्ट। हार्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, ऐसे लोगों की सबसे पहली चीज़ उनकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर रहने लगेगी, साथ ही साथ उनको कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां होने लगेंगी। इन परेशानियों के साथ साथ अगर आप कभी ध्यान देंगे तो उनको एंजाइना पेन, चेस्ट पेन, इस तरीके की समस्याएं रहती हैं। तीसरी चीज़ जो हमको अपनी बॉडी में दिखेगी, यही ओमेगा 3 का एक जो सिग्नल देगा आपको कि भाई मैं कम हो रहा हूँ, मेरे पे ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों में स्किन इन्फेक्शन बहुत देखने को मिलेंगे, उनको आप देखोगे डर्मेटाइटिस हुआ है, सोराइसिस हुआ है, इस तरीके की परेशानियाँ तो उन्हें लगातार बनी रहेंगी। साथ ही साथ स्किन का ही एक तरीके से पार्ट मानिए या फिर जो हमारी अस्थि धातु है उसका बाय प्रोडक्ट मानिए, वो है हमारे बाल। ऐसे लोग जिनमें इसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू होगी, जब स्किन रुखी हुई, स्किन पे प्रॉब्लम हुई, तो सिमिलर प्रॉब्लम आपको अपने बालों में भी देखने को मिलेगी। आप देखोगे आपके बाल कुछ रूखे बेजान हो गए हैं, साथ ही साथ वो बिल्कुल पतले होना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक सिम्टम ऐसा है या ये भी एक ऐसा लक्षण है जिससे आप ये समझ सकते हो कि भाई मेरे अंदर ओमेगा 3 की कमी हो रही है। साथ ही साथ उन लोगों में फैटी लीवर, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन, कहीं ना कोई समस्या, कभी अर्थराइटिस हो जाएगा,
ठीक है, कभी किसी और तरीके की समस्या होने लगेगी, उन लोगों के ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, मतलब बाकी सारी चीज़ें सही लग रही हैं लेकिन केवल ये ओमेगा 3 जहाँ कम गया तो आपको ये ऐसे प्लेंटी ऑफ सिम्टम्स देने लगेगा। तो ये वो सारे सिम्टम हैं, अगर आपने ध्यान से देखे तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देगी कि भाई ओमेगा 3 कम है, वो चाहे फिर हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हों, स्किन से रिलेटेड सिम्टम हो, या फिर ये फैटी लीवर हो गया और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके सोर्स कौन से हैं, ओमेगा 3 हमें मिलेगा कहाँ से, बॉडी तो नहीं बना रही है। इसके दो सोर्स हैं, एक आप ऐसे मान के चलिए एक वो जो हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलना है और एक वेजिटेरियन से। यहाँ पर इतना फ़ायदा नॉन वेजिटेरियन लोगों को मिलता है कि उनके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आप इन शॉर्ट अगर समझना हो, नेट सेल में समझना हो, तो जितने भी सी फूड हैं सब में ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सारे सी फूड ले लीजिए, और वो लोग जो मछलियाँ खाते हैं, एक फ़िश होती है टूना हो गई, सैलमन हो गई, ये सारी फ़िश, लेकिन इन सारे में ये इंडिया में तो इतनी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत महंगी होती हैं। तो ऐसे ही एक इंडियन फ़िश होती है जिसे बोलते हैं सिंगाड़ा मछली, उस मछली में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। हाँ, एक और नस्ल आती है बीच में, एगिटेरियन, वो एक तरीके से ना जो वेजिटेरियन में अपने आप को कंसीडर करते हैं और ना नॉन वेजिटेरियन में। तो एगिटेरियन के लिए क्या है, अगर वो होल एग का सेवन करते हैं, पूरे अंडे का सेवन करते हैं, तो उनको भी ओमेगा 3 उसमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और रह गए मेरे जैसे भाई वेजिटेरियन, तो वो लोग चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इसके अलावा बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर वो उनका सेवन करते हैं तो वो ओमेगा 3 को पा सकते हैं। अगर ओमेगा 3 उनकी बॉडी में गया, बैलेंस होने लगा, तो ये सारे सिम्टम जो उन्हें दिख रहे हैं वो उन्हें 15 से 20 दिन महीना, या आपकी डेफिशिएंसी के ऊपर है कि डेफिशिएंसी है कितनी, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो वो जल्दी कवर हो जाती है, और अगर लंबी है तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो दोस्तों ये तो था ओमेगा 3, नाम सुनने में थोड़ा सा ऐसा है कि आपने सुना तो कई जगह लेकिन शायद समझ में ना आया हो। मेरा प्रयास ये था कि सबसे सरल शब्दों में, सबसे आसान शब्दों में मैं आपको ओमेगा 3 समझा पाऊँ, इसके काम समझा पाऊँ, इसकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम ऐसे हैं जो आप भी नोटिस कर सकते हो वो समझ पाएँ, और सोर्स कौन से हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ओमेगा 3 के आसपास का कोई सवाल तो शायद नहीं बचता होगा। अगर ऐसा है, मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो एक थम्स अप दीजिए, और अगर फिर भी कोई सवाल मन में बच रहा है तो कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा है, एक कमेंट लिख के मुझसे पूछिए कि अभी ये चीज़ रह गई और ये बात क्या मुझे समझ में नहीं आई, आने वाली किसी न किसी वीडियो में मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। और दोस्तों लास्ट में चलते चलते एक छोटी सी चीज़, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, लग रहा है कि एफर्ट जेन्युइन है और आपके लिए किसी न किसी तरीके से काम के हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।